हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह, मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का नेक्स्ट क्लास। देखते हैं बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के पेपर नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी का सीरीज चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं इसमें वेक्टर। तो वेक्टर का अगला वेक्टर हमारे पास है फैगमीड वेक्टर। तो जो हमारा फैगमीड वेक्टर है वो क्या कहता है, पहले देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन एंड इसके पीडीएफ। आपको चाहिए तो विजिट करिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे प्ले स्टोर के साथ वीएनआर क्लासेस। वीएनआर क्लासेस एक ऐसा एंड्रॉयड एप्लीकेशन दिया जा रहा है बीएससी के सभी ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे उनके रिक्वायर्ड के साथ उनकी जितने भी पेपर्स हैं उनसे जुड़े उनके पीडीएफ एंड लेक्चर क्लासेस, ये हमारा डेमो क्लासेस के बेसिस पे है। बाकी जो हमारे मिलते हैं वो हमारे एप्लीकेशन से मिलेंगे। तो जाइए, विजिट करिए, कोर्स रिक्वायर्ड कीजिए, एकदम मिनिमम फीस आपके ऑफलाइन के फीस से कम फीस में हम एक साल आपके साथ पूरा का पूरा सेल्फ, आप जितना स्टडी करते हैं उनके साथ मैं एक सपोर्ट सिस्टम दूंगा, जिससे आपकी बीएससी की एग्जामिनेशन पास नहीं कर सके, बीएससी में अच्छे अंक नहीं ला सके, बीएससी में एक बेहतर अपने आप को मजबूत बनाइए, ताकि आगे चल के हमको टीजीटी पीजीटी देने में कठिनाई ना हो, आगे चल के हमको यूपीएससी देने में कठिनाई ना हो, आगे चल के हमको यूपीपीसीएस की, आगे चल के एनीवन बायोलॉजी किसी भी सेक्टर में, चाहे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जूलॉजी पढ़ रहे हो, बॉटनी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के किसी स्टूडेंट्स को कहीं प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए प्रॉपर स्टडी चाहिए। वो स्टडी छोटे से नोट से नहीं मिलता, बीएससी एक बड़ा सिलेबस है, बड़ी जानकारी देता है, डीप में जाता है। तो चलते हैं इसी डीप को देख लेते हैं आज इसी फैगमीड वेक्टर के बारे में। तो चलते हैं, एक जोरदार लाइक आप दबाइएगा, अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सारे स्टूडेंट के पास, ताकि उनको भी ये क्लासेस डेमो के रूप में मिल सके, और आप उनको बताइए, रिकमेंड करिए वीएनआर क्लासेस। तो मिलते हैं टॉपिक में, चलते हैं, आइए देख लेते हैं टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फैगमीड वेक्टर की बात करेंगे। तो जो हमारा फैगमीड वेक्टर होता है ये भी एक डिराइव वेक्टर है। कैसा है? डिराइव मतलब व्युत्पन्न किया गया है, ये नेचुरली नहीं होता, ये हाइब्रिड वेक्टर है। किससे हाइब्रिड है? ये हाइब्रिड है प्लाज्मिड वेक्टर से। क्या है? प्लाज्मिड वेक्टर के डीएनए के सीक्वेंस में चेंज करने के बाद हम बनाते हैं फैगमीड वेक्टर। अब एक चीज और ध्यान देना, जो यहां पे फैगमीड वेक्टर होता है, तो इस टाइप के वेक्टर में दो साइट होता है, एक साइट होता है उनका ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस ऑफ फैगमीड। ध्यान देना, मतलब यहां पे क्या होगा कि एक साइट तो उनका क्या होगा, प्लाज्मिड का रिप्लिकेशन साइट होगा, और दूसरा साइट उनका होता है किसका, फेज वेक्टर का। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे यहां से, क्या कि हमारा जो फैगमीड वेक्टर होगा उनमें दो रिप्लिकेशन साइट देखने के लिए मिलता है। नंबर फर्स्ट प्लाज्मिड वेक्टर यानी सेल्फ रिप्लिकेशन साइट या सेल्फ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस, और दूसरा मिलेगा किसका, फेज। किसका मिलेगा स्टूडेंट? दूसरा हमारे पास मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं फेज रिप्लिकेशन। ध्यान देना, क्या मिल जाएगा? फेज रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट। तो चलो, फेज रिप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन, या कर लो ओरिजिन, यहां से ओरिजिन ऑफ, ठीक, ओरिजिन। तो फेज रिप्लिकेशन ओरिजिन आपको मिल जाएगा। एक चीज तो ध्यान देना यहां पे कि जो हमारे पास फेज रिप्लिकेशन ओरिजिन मिलता है ये भी इसी फैगमिड के अंदर मिलेगा, और यहां पे रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड भी इसी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों साइड कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। अब बात करते हैं, यहां पे ये चीज ध्यान देना होगा कि ये पूरा का पूरा जो हमारा वेक्टर होता है ये एक ब्लू स्क्रिप्ट, ध्यान देना, क्या, ब्लू स्क्रिप्टेड वेक्टर होता है। ब्लू स्क्रिप्टेड वेक्टर का मतलब होगा कि इसमें जो इसका पूरा का पूरा कह सकते हो कि बेस पेयर होता है वो लगभग लगभग जो हमारा प्लाज्मिड का, हमने क्लास लिया था, हमने बताया था कि प्लाज्मिड का जो PUCA, ध्यान देना, हमने इस वेक्टर के बारे में बात कर लिया है, पहले ही बता दे रहा हूं कि जो हमारा PUCA वेक्टर होता था इस वेक्टर में, स्पेशली इस वेक्टर से ही ओरिजिन करके बनाया गया है।
कभी कभी पूछता है कि फैग्मिड वेक्टर किस वेक्टर के ओरिजिन से बना है या किस वेक्टर से डिराइव किया गया है, तो आप नाम क्या लिखेंगे कि प्लाज्मिड वेक्टर के जो PUCA वेक्टर है इसी से इसको कंप्लीट करके बनाया गया है। अब चीज ये ध्यान देना कि जो हमारा वेक्टर होता है इस वेक्टर में लगभग लगभग 30 मतलब आप यहां पे क्या करेंगे 29-58 कितना होता है इसका 29-58 बेस पेयर, कितना बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड के साथ ही आता है, मतलब लगभग लगभग ये 3000 कितना 3 किलो बेस पेयर, कितना आप ध्यान रखेंगे 3 किलो बेस पेयर के साथ ये कंप्लीट करेगा। तो ये जो 3 किलो बेस पेयर है कंप्लीट करता है स्टूडेंट्स, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि 3 किलो बेस पेयर के साथ कंप्लीट करने वाला एक वेक्टर काफी छोटा होगा, डिराइव होगा किससे, डिराइव होगा यहां पे PUCA वेक्टर से डिराइव होगा। ये जो हमारा वेक्टर है ये प्लाज्मिड वेक्टर का डिराइव पार्ट्स होता है, ये चीज आपको पता हो जाना चाहिए। यहां पे तकनीक कौन सा लगता है, तकनीक लगता है ब्लू स्क्रिप्टेड, क्या ब्लू स्क्रिप्टेड या ब्लू स्क्रिप्ट SK, ठीक, तो एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं आगे, थोड़ी सी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर्स में ये देखेंगे कि जो हमारा स्ट्रक्चर आज दिखाई दे रहा है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स में नंबर फर्स्ट हमारे पास हो जाता है कि इसमें फेज, क्या देखना फेज, फेज के सारे लक्षण दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे जो हमारा फेज होता है, फेज वेक्टर होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज आप कहते हो, बैक्टीरियोफेज के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और यहां पे फेज का जो FI होता है, क्या होता है FI कह सकते हो कि जो हमारा फेज M30 आप ध्यान दीजिएगा, फेज M30 इसका क्लास भी मैं बना चुका हूं, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। ठीक, तो यहां पे फेज M30 का ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन देखने के लिए मिलता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट यहां से कंप्लीट करिएगा कि इसमें क्या मिलेगा, फेज M30 का ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अभी हमने बताया था ना कि अब क्या बताया था, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ठीक, तो यहां पे पहला इसका रिप्लिकेशन होगा जिसको सेल्फ रिप्लिकेशन कहते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन किसका, M13 का। अब देखो जब M13 का, थोड़ा सा कैमरा और इधर कर दो इसको थोड़ा सा बस, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दूसरे पॉइंट में कहेगा कि हमारे पास कि जो लॉक जेड जीन होता है, क्या होता है लॉक जेड जीन होता है, ठीक, तो लॉक जेड जीन जो होता है वो MCS में होता है, क्या होता है MCS, MCS का मतलब समझ रहे हो ना कि यहां पे MCS का मतलब होता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, क्या मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मतलब ये जीन होगा ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट को रिपीट करेगा, मतलब इसमें ढेर सारे मल्टीपल हो सकते हैं। अब ये ध्यान देना, अब तीसरा बोल रहा है इसी जगह कि जो लॉक जेड होता है, क्या होता है जो लॉक जीन होते हैं या जो लॉक होते हैं वो प्रमोटर जैसा बिहेव करते हैं, कैसा करते हैं, यानी ये जो लॉक जेड होते हैं ये जो प्रमोटर है प्रमोटर के द्वारा ये रिस्पॉन्स होते हैं, क्या होते हैं रिस्पॉन्स करते हैं, संचालित होते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अब यहां पे लॉक प्रमोटर क्या होगा, यहां पे स्पेशली ऊपर लिखा गया है तो लॉक प्रमोटर होगा, तो ये जो प्रमोटर होता है क्या होता है, ये जो प्रमोटर होता है लॉक प्रमोटर जो होता है ये स्पेशली जो लॉक जेड DNA होता है, क्या होता है लॉक जेड जीन होता है ये इसको संतुलित करता है यानी बैलेंस करता है। ठीक, अब यदि बात करते हैं और चौथे पॉइंट्स की, तो चौथा पॉइंट्स यहां से कर लेते हैं, ठीक, कि अब इतना हमने देख लिया, अब अगले पॉइंट्स में क्या देखेंगे, अगले पॉइंट्स में हमारे पास हो जाएगा क्या कि जो MCS है, क्या है MCS है, MCS का मतलब होगा कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट सीक्वेंस, क्या मल्टीपल क्लोनिंग साइट सीक्वेंस में स्पेशली दोनों, देखो मल्टीपल साइट सीक्वेंस कहां पे दिखाई दे रहा है आपको, कहीं दिखाई दे रहा है कुछ दिखाई दिया एनीवन, कहीं भी
प्रमोटर, क्या दिखाई दिया, प्रमोटर, प्रमोटर दिखाई दे रहा है। तो इस वाले फिगर में दो प्रमोटर लगे होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास प्रमोटर होता है, एक तरफ होता है जिसको T7 के नाम से जानते हैं, ठीक, और दूसरी तरफ होता है इसको T7, और दूसरी तरफ हमारे पास होता है T3, ठीक। तो T7 एंड T3 दो प्रमोटर होते हैं, यानी फेज के दोनों जगह हमको दो प्रमोटर दिखाई देते हैं, और इन्हें हम प्रमोटर सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि रिप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ प्लाज्मिड, तो वैसे है इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होगा। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन में ये देखा जाता है कि जो एसेरेसिया कोलाई होती है, क्या होती है, एसेरेसिया कोलाई का जो सेकेंड जनरेशन होता है, एसेरेसिया कोलाई के सेकेंड जनरेशन इसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन को कंप्लीट करती है। क्या करती है, ध्यान रखिएगा, एसेरेसिया कोलाई का जो सेकेंड जनरेशन है वो कंप्लीट करता है इसमें रिप्लिकेशन के लिए। अब इतनी बात खत्म होने के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं फिगर में, तो ये चीज ध्यान देना कि इसमें एम्पीसाइक्लिन, क्या, इसमें एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है। क्या होता है, एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पीआर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, एम्पीआर के नाम से जानते हैं। तो एक एम्पीआर पाया जाएगा, क्या होगा, यहां पर कर लो AMPR, AMPR का मतलब होता है जिसको IG रीजन के नाम से जानते हैं, ये एक एंटीबायोटिक रीजन होता है। क्या होता है, एंटीबायोटिक रीजन होता है जो किसी दूसरे एंटीबायोटिक को, जैसे एम्पीसाइक्लिन, क्या है, एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस होते हैं जो दूसरे एंटीबायोटिक के, कह सकते हो कि विरोध करते हैं, यानी प्रतिरोध करने का काम करते हैं, ठीक। अब ये ध्यान देना कि एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंस पाया जाएगा, ठीक, क्या करेगा वो, एक एक जीन है जो एंटीबायोटिक्स के रूप में काम करता है, ठीक। अब ये ध्यान देना, अगले पॉइंट में ये देखा जाता है स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये हो गया एक सेलेक्टिव मार्कर होगा। सेलेक्टिव मार्कर का मतलब समझते हैं कि ये एक ऐसा मार्कर पॉइंट्स होगा जो क्या करेगा, जो स्पेशली बाहर से आए हुए जितने भी इंसर्ट डीएनए होते हैं, यानी जो फॉरगेन डीएनए होते हैं, फॉरगेन डीएनए को सही तरीके से कैसे इनमें कहां लगाया जाए, कहां से रिस्ट्रिकेशंस एंडियो न्यूक्लियोज की सहायता लेके कटर किया जाए, हम उनको क्या कहते हैं, सेलेक्टिव मार्कर कहते हैं। यहां पे मार्कर पॉइंट्स होगा जिससे हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कट करने के बाद बाहर से आए हुए जितने भी इंसर्ट डीएनए होते हैं या फॉरगेन डीएनए होते हैं, इनके क्लोनिंग कराने के लिए हम इस फैगमिड वेक्टर के रूप में, सॉरी वेक्टर के अंदर डालते हैं या इंसर्ट करते हैं। अब जस्ट कहानी जैसे आगे बढ़ती है तो अगले पॉइंट्स हमको क्या देखना होगा, यहाँ पे कॉट प्रोटीन्स, एक छोटा सा प्रोटीन्स का बंडल होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर टैग लगाई जाता है। तो टैग के बारे में आप जानते हैं, टैग का मतलब होता है एक नाम, नॉमिनेशंस। तो यहाँ पे एक टैग लगाया जाएगा जो इस फैगमिड वेक्टर को कंप्लीट करेगा टैग के रूप में, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक। अब इसको मॉलिक्यूलर टैग बोलते हैं, इसका काम केवल है सूचनाओं को देना, हमको पता चलेगा कि किस टाइप का वेक्टर है। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम्स रिकोजिनेशन साइट, मतलब ये क्या करेगा कि यहां से ऐसे रिस्ट्रिकेशंस एंडियो न्यूक्लियोजेज होंगे या रिस्ट्रिकेशंस एंजाइम होंगे जो कहीं ना कहीं इस पूरे फैगमिट को ब्रेक डाउन करेंगे, और जैसे ही एक ब्रेक डाउन होगा, अब हम बाहर से जो हमारा फॉरगेन डीएनए या FDNA होता है, FDNA को इसके अंदर हम क्या करेंगे, डाल देंगे, डालने के बाद हम क्लोनिंग कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं यहां पे एक छोटा सा, जब यहां पे क्या होता है, रिस्ट्रिकेशंस एंडियो न्यूक्लियोज किसी भी वेक्टर को पेनिट्रेट करती है या फिर कटर करती हैं, तो वहां से हमारे पास एक सिंगल छोटा सा, क्या, सिंगल छोटा सा सिंगल पेप्टाइड, ठीक, पेप्टाइड की बात कर रहा है, सिंगल पेप्टाइड की बात कर रहा है, सिंगल पेप्टाइड दिखाई देती है, यानी जो पूरी पूरी चैन होती है पेप्टाइड श्रृंखला की, उसमें से एक छोटा सा सिंगल पेप्टाइड बाहर हमारा निकल जाता है, ठीक। अब उसके बाद प्रमोटर होता है, प्रमोटर के बारे में बता दिया, दो प्रमोटर होते हैं, कौन कौन होते हैं स्टूडेंट, नंबर फर्स्ट हमारे पास होता है 7
T7 और दूसरा होता है T3। अभी इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक। अब इधर की बात कर लेते हैं, रिप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ, यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ प्लाज्मिड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक साइट होगा, एक बड़ी सी एक स्थिति होगी, एक पोजिशंस होगा जो रिप्लिकेशंस करने में काम आएगा, ठीक। इसी जगह लगा होता है एसेरेसिया कोलाई, क्या होता है, इसी जगह हमारा पाया जाएगा कोलाई, कर सकते हो कोलाई सेकेंड, ठीक। ये जो कोलाई सेकेंड्स होता है ये क्या करता है, स्पेशली ध्यान देना, ठीक, ये भी स्पेशली ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशंस का फॉर्म होता है। लिख सकते हो तो लिख लो, फिगर आपका मजबूत हो जाएगा। मजबूत का मतलब कि आपको पेपर में सही तरीके से ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन, ठीक, किसके द्वारा, एसेरेसिया कोलाई के द्वारा। अब देखो इसको बड़ा कर लो, ठीक। अब एसेरेसिया कोलाई हमारा कंप्लीट होता है। अब इतना तो हमने देख लिया स्ट्रक्चर्स के बारे में, थोड़ा सा जानकारी और देना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो ये फैग्मिड वेक्टर होता है, यदि बाहर से इंसर्ट, क्या बाहर से इंसर्ट डीएनए को यदि इसके अंदर डाला जाए तो इन विंट्रो कंडीशंस में, किसमें, इन विंट्रो कंडीशंस में हम इसका रिप्लिकेशन करा सकते हैं डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स के साथ। क्या कर सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स के साथ हम इसका रिप्लिकेशन करा सकते हैं, ठीक, किसी भी अदर फैग्मिड वेक्टर के साथ। मतलब जो हमारा ये फैग्मिड वेक्टर है ये डबल स्टैंडर्ड में रिप्लिकेशन करता है किसी भी बाहर के आए हुए फॉरगेन यानी FDNA के साथ। अब ध्यान देना ये चीज कि ये रिप्लिकेशन कैसे करेगा, जैसे मेरा एसेरेसिया कोलाई या मेरा स्पेशली प्लाज्मिड वेक्टर करता था, क्या करता था, प्लाज्मिड वेक्टर जैसे रिप्लिकेशन करता था ठीक वैसे ही रिप्लिकेशन करने के लिए तैयार होगा। कौन तैयार होगा, हमारा ये पूरा का पूरा जो फैग्मिक वेक्टर है ये हमारा तैयार होगा। एक चीज ध्यान देना, और जिस टाइप से हम प्लाज्मिड वेक्टर को क्या करते थे, किसी दूसरे, क्या करते थे, प्लाज्मिड वेक्टर को किसी दूसरे होस्ट पे डालकर क्लोनिंग कराते थे, ठीक, वैसे ही इसको भी एसेरेसिया कोलाई के अंदर हम क्लोनिंग करा सकते हैं। इस चीज को आपको कंफर्म हो जाए। अब देखो कुछ और बचा है, हाँ थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक। अब ध्यान देना कि अब ये जो हमारा बेस पेयर आ रहा है, मतलब फॉरगेन डीएनए आएगा, ये कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये लगभग लगभग बोल रहा है कि 10 किलो, कितना, 10 किलो बेस पेयर, मतलब 10 किलो बेस पेयर के फॉरगेन डीएनए या इंसर्ट डीएनए, क्या बोलते हैं इनको, इंसर्ट डीएनए को हम इनके अंदर डाल के क्लोनिंग करा सकते हैं। कभी कभी पूछता है कितना डीएनए डाला जाएगा, यानी कितना मटेरियल क्लोनिंग करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कितना करेगा, यहां पर 10 किलो बेस पेयर हम कंप्लीट कर देंगे। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एसेरेसिया कोलाई एंड यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे क्या है, फैग रिप्लिकेशन ओरिजिन पाया जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या पाया जाएगा, रिप्लिकेशन ओरिजिन प्लाज्मिड भी देखने के लिए मिल जाएगा। एक कंडीशंस यदि आप पूछता है कि जो वेक्टर है ये किस कैटेगरी का वेक्टर है, तो मैंने बताया कि हाइब्रिड कैटेगरी का है, बट यहां पे ये चीज ध्यान देना, ये एक्सप्रेशंस वेक्टर है, क्या है, एक्सप्रेशंस वेक्टर है, मतलब जहां भी जाएगा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बताएगा, अभिव्यक्त करेगा। तो आपको कभी पता हो, कभी पूछा जाएगा तो इसका नाम तो आप बता दीजिएगा कि जो हमारा फैग्मिड वेक्टर होता है वो स्पेशली हमारे पास कैसा होता है, एक्सप्रेशंस वेक्टर के रूप में काम करता है। अब जब एक्सप्रेशंस वेक्टर हो जाएगा तो इसकी कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है। अब ये देखा जाता है कि बाहर से आया हुआ जो हमारा डीएनए होता है, ध्यान देना, ये जो हमारा डीएनए आ रहा है, मतलब हमने मान लिया कि जो रिप्लिकेशन साइट्स हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मेरा डीएनए है, कैसा डीएनए है, इसको हम फॉरगेन डीएनए बोलते हैं। ये डीएनए हमारा आ गया, कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा जहां से हमारा साइट हटा होगा यहां जाएगा। मान लो कि स्टूडेंट्स कि ये 10 किलो बेस पेयर है, कितना है, 10 किलो बेस पेयर, ठीक,
10 किलो बेस पेयर का छोटा सा डीएनए है, ये इसके अंदर जा रहा है। अब ये जी ध्यान देना, जैसे ये जाता है इसके अंदर, जैसे ही आ जाता है यहां पे पाया जाता है लॉग जीन। क्या होता है लॉग जीन? हमने बताया था कि इसके अंदर क्या पाया जाएगा, यहां पे लॉग जीन, सॉरी लॉग जेड जीन होता है। अब लॉग जेड जीन जो होता है, इसकी ध्यान देना, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लॉग जेड जो जीन होता है, ये लॉग जेड जीन के साथ मूव करते हैं, ठीक, मूव करके स्पेशली एक फ्यूजन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूजन प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जैसे ही हमारा एफ डीएनए इनके अंदर आता है, क्या होता है, यानी एफ डीएनए जो होता है, डीएनए इंसर्ट होता है, वो लॉग जेड जीन के साथ मूव करते हैं, घूमते हैं, घूमने के साथ ये स्पेशली एक टाइप क्रिएट करते हैं। जैसे दोनों मिलके घूमेंगे, यहां से एक क्रिएशन कंप्लीट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? यहां पे फ्यूजन प्रोटीन। ये कभी आपसे पूछा जाता है, देखो यहां प्रोटीन मैंने लिखा था ना, फ्यूजन प्रोटीन्स, ठीक, ये फ्यूजन प्रोटीन कभी कभी पूछता है कि किस वेक्टर के अंदर फ्यूजन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा कि फ्यूजन प्रोटीन बनते हैं फॉर्गेन डीएनए या इनसॉर्ट डीएनए, ध्यान देना, फॉर्गेन डीएनए या इनसॉर्ट डीएनए के लॉग जीन मूविंग के बाद। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि फ्यूजन प्रोटीन बनाने में कौन सा जीन काम करता है, तो आपको पता हो जाएगा कि लॉक जेड जीन जो होते हैं वो फ्यूजन प्रोटीन बनाते हैं, किसके अंदर, फैगमिट वेक्टर के अंदर। इतना तो कंप्लीट हो गया। अब हम इतने कंप्लीट करने के बाद ये देखा जाता है, हमने अभी बताया कि ये रिप्लिकेट करता है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स में, यानी ये डीएनए के डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स बनाता है, किसके साथ, एसेरेसिया कोलाई के साथ। बट ध्यान देना कि डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स के साथ ये आरएनए के सिंगल स्टैंड हेलिक्स को बनाने की काबिलियत रखता है, ध्यान देना, मतलब इसको आरएनए के सिंगल स्टैंड हेलिक्स के, ठीक, क्लोनिंग में भी हम हेल्प ले सकते हैं इसी फैगमिट के अंदर। अब ये चीज तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां से एक चीज ध्यान देना, मैं प्रमोटर के बारे में बताया था कि मेरे पास दो प्रमोटर हैं, एक T7 है, एक T3 है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहां से कि दोनों प्रमोटर जो होते हैं, क्या होते हैं, दोनों जो प्रमोटर होते हैं, स्पेशली हम पहले प्रमोटर की बात करेंगे जिसको T7 प्रमोटर बोलते हैं, T7 प्रमोटर स्पेशली MCS को, यानी मल्टीपल क्लोनिंग साइट को, क्या करते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट को प्रमोट करते हैं, क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और प्रमोट करने के साथ साथ इसको तेजी से इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज करने के साथ साथ जो इनके अंदर पाए जाने वाला जो लॉक होता है, लॉक जो जेड डीएनए होता है, इनकी मात्रा को बढ़ा देता है, क्या करता है, बढ़ा देता है। तो एक लाइन क्लियर हो जाएगा कि T7 प्रमोटर एक टाइप का ऐसा प्रमोटर होता है जो फेज, क्या होता है, जो फेज MCS, मतलब मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस के साथ या सीक्वेंस के एक और लगा होता है। ये स्पेशली क्या करता है, ये लॉक जेड डीएनए के सीक्वेंस को या लॉक जेड डीएनए सॉरी लॉक जेड जीन के सीक्वेंस को तेजी से इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करने के साथ साथ उसकी मात्रा को बढ़ाता है, ठीक ठीक, उसके रेट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। काहे बढ़ाएगा, कहे कि आगे चल के ये फ्यूजन प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सके। दूसरा होता है यहां पे T3, जो T3 होता है ये स्पेशली एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कहां पाया जाता है, जो MCS के दूसरे सीक्वेंस में, हमने क्या बोला था, MCS के दूसरे सीक्वेंस में पाया जाता है। जब ये MCS के दूसरे सीक्वेंस पे होता है तो ये क्या करता है, ये RNA, कहां गए भैया, ये करता है RNA के ट्रांसक्रिप्टेड को रोकता है। एक क्वेश्चन देखो यहां से भी बनता है MSc के लिए कि जो प्रमोटर T3 होता है वो क्या करता है, ठीक, तो यहां ध्यान दीजिएगा T3
tRNA का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको रोकने के लिए, ठीक क्या करता है, रोकने के लिए स्पेशली हम यहाँ पे T3 प्रोमोटर का यूज करते हैं, या T3 प्रोमोटर काम करता है। ठीक, इसको सेंस ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं, क्या करते हैं, सेंस ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं। अब कुछ तो बचा नहीं, थोड़ा और पॉइंट यदि देख लेते हैं। हाँ, बात कर लेते हैं इसके यूजेज की। अब देखो, अब ये चीज ध्यान देना कि इनका यूज कहां होता है, इनकी खासकर हम इसकी बात करें, ये पूछता है। ठीक, जो T3 प्रमोटर है, क्या है, T3 जो प्रमोटर होता है, ये स्पेशली क्या बोला मैंने कि tRNA, T3 जो प्रमोटर है ये tRNA के ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है। अब ट्रांसक्रिप्टेड को पता लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि रुका है कि चल रहा है कि दौड़ रहा है कि भाग रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव से इंडिकेट करना पड़ता है। क्या करता है, नॉन रेडियो एक्टिव एंड रेडियो एक्टिव इंडिकेटर से यूज करना पड़ता है, इंडिकेटर यूज करना पड़ता है जो बताता है कि ट्रांसक्रिप्टेड रुका है कि चल रहा है। ठीक, इसी समय हमको कहीं ना कहीं जो T3 प्रमोटर होता है, इस T3 प्रमोटर का यूज RNA प्रूफ्स के निर्माण के लिए भी किया जाता है। क्या होता है, RNA प्रूफ्स के निर्माण के लिए भी किया जाता है। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, लगभग हमारा पूरा जो फैगमिड वेक्टर है वो समाप्त होता है। आपका क्लास काफी लंबा हो जाएगा, बट आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मेरे पॉइंट्स को सही तरीके से देखने के बाद आपको किसी पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा हमको लगता है। काफी स्टूडेंट जो मैसेज करते हैं उनको एक चीज ध्यान देना। ठीक, अब एक थोड़ा सा यूजेज की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर चलेंगे आगे। ठीक, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चीज ध्यान देना कि जो हमारा फैगमिड वेक्टर है ये स्पेशली इंसर्ट DNA के साथ सिंगल कॉपी बनाता है। नंबर फर्स्ट, सिंगल कॉपी के लिए हम इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरा, ये जो DNA की सिक्वेंसिंग होती है, ठीक, DNA सिक्वेंसिंग के लिए भी इसको काम किया जाता है। नंबर फर्स्ट हमने क्या बताया कि फैगमिड वेक्टर DNA इंसर्ट की सिंगल हेलिक्स कॉपी बनाने के लिए तैयार करती है। दूसरा, ये DNA सिक्वेंसिंग की तैयार करती है। ठीक, अब DNA सिक्वेंसिंग में क्यों तैयार की जाती है, क्योंकि जो इसके प्रमोटर होते हैं, क्या होते हैं, प्रमोटर के साथ साथ जो हमारा MCS होता है, MCS में 6 छोटे छोटे ऐसे प्रमोटर साइट्स होते हैं या प्राइमर साइट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं यूज में आते हैं। अब इसका जो प्राइमर साइट्स होते हैं, जैसे T7 है, T3 है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 5K है, M13 है, ठीक, M30 प्राइमर है, ऐसे कुछ ढेर सारे प्राइमर हैं, 6 प्राइमर काम करते हैं किसके लिए, स्पेशली इसी प्रमोटर्स के अंदर। ठीक, तो ये क्लास कंप्लीट होता है, मिलते हैं नए वाले क्लास में। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, कैसा लगा नीचे कमेंट करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।